जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आज आप और हम जानेंगे श्री कृष्ण भगवान के बारे में बहुत कुछ, जो आप में से शायद बहुत से लोग जानते भी हों और कुछ नहीं भी। इस यात्रा में हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन की उन प्रमुख घटनाओं के बारे में जानेंगे जो वृंदावन, गोकुल, बरसाना और मथुरा से जुड़ी हैं। इन स्थानों पर घटित घटनाएं न केवल कृष्ण की दिव्यता को दर्शाती हैं, बल्कि उनके प्रेम, शक्ति और भक्ति के अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत करती हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। वृंदावन भगवान कृष्ण के बचपन का प्रिय स्थल। यहाँ श्री कृष्ण ने नटखट बाल रूप में कई अद्भुत लीलाएं की। आइए जानते हैं एक ऐसी ही लीला के बारे में। यमुना नदी में कालिया नामक एक विषैला नाग निवास करता था। वह एक ऐसा नाग था जिसके 5 सिर थे। वह वृंदावन के नंद गांव के वन में यमुना नदी में रहता था। कालिया अपने सौतेले भाई पक्षीराज गरुड़ से दुश्मनी के कारण महासागर छोड़कर यमुना में रहने आया था। कालिया के रहने की वजह से यमुना नदी में उसका जहर फैल गया, जिससे नदी में रहने वाले जीव बढ़ने लगे। साथ ही नदी का जहरीला पानी पीने से पशु पक्षी और गांव वाले भी मरने लगे। एक दिन भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी में चली गई। श्री कृष्ण को कालिया नाग मिला। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को सबक सिखाने के लिए एक लीला रची। श्री कृष्ण ने कालिया के फन पर नाचकर उसके गर्व से उठे हुए सभी सिरों को कुचल दिया। कालिया बेहोश हो गया, लेकिन जब वह उठा तो उसने फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हराने के बाद उसे यमुना नदी छोड़कर जाने का आदेश दिया। श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा कि वह जाते समय पीछे मुड़कर ना देखे, नहीं तो वह पत्थर बन जाएगा। कालिया नाग ने श्री कृष्ण की बात मान ली और वहां से जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह पत्थर बन गया। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर क्रोधित होकर मूसलाधार बारिश करनी शुरू की तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गांववासियों की रक्षा की। इस लीला ने यह दर्शाया कि ईश्वर की कृपा सभी संकटों से उबार सकती है और सच्चे भक्ति के बल पर हर संकट का सामना किया जा सकता है। इस कहानी के ऊपर एक हमारी शॉर्ट वीडियो चैनल पर है, आप उसको भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से बताया हुआ उसमें भी। वृंदावन में कृष्ण की रासलीला एक दिव्य प्रेम लीला है। कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की, जहां हर गोपी को ऐसा महसूस हुआ कि वह अकेले कृष्ण के साथ है। यह लीला प्रेम और भक्ति की परिकाष्ठा को दर्शाती है और भक्तों को सिखाती है कि भगवान का प्रेम सभी के लिए समान होता है और भगवान का प्रेम अपने भक्तों के हर समय ही साथ रहता है। वृंदावन में भगवान कृष्ण ने बकासुर और आगासुर नामक दो राक्षसों का वध भी किया। बकासुर ने गोकुल में आतंक मचाया था, जबकि आगासुर ने गोपियों को पकड़ने का प्रयास किया। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से इन राक्षसों का वध कर गोकुलवासियों को सुरक्षित किया था। नंद बाबा और यशोदा कृष्ण के माता पिता थे। कृष्ण के बचपन में उनके प्रति अपार प्रेम और स्नेह दिखाते हैं। नंद बाबा और यशोदा ने कृष्ण को अपने बच्चों की तरह पाला पोसा। कृष्ण ने अपने माता पिता को अपनी बाल लीलाओं और अद्भुत कार्यों से हमेशा खुश रखा। गोकुल कृष्ण का प्रिय गांव था, जहां उन्होंने अपने बाल काल्य में कई मजेदार घटनाएं की। कृष्ण और उनके दोस्तों ने कई बार माखन चोरी किया। कृष्ण ने माखन के बर्तन चुराने के लिए कई योजनाएं बनाई और गांव वालों को परेशान किया। यह घटना कृष्ण की नटखटता और प्यारे स्वभाव को दर्शाती है। माखन चोरी की लीलाएं कृष्ण को गोकुलवासियों के बीच और प्रेम और प्रिय बना देती हैं। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। दोनों ने मिलकर गोकुल में कई राक्षसों को मारा और गोकुलवासियों की रक्षा की। बलराम और कृष्ण का भाईचारा एक आदर्श भाई भाई के रिश्ते का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कृष्ण ने गोकुल में कई शैतानी खेल खेले, जैसे कि गायों को भगाना और गोकुलवासियों को परेशान करना। इन लीलाओं से उनकी नटखट और प्रेम
पूर्ण स्वभाव का चित्रण होता है। बरसाना राधा की जन्मभूमि है और यहाँ पर राधा और कृष्ण के प्रेम की कई प्रसिद्ध कथाएं हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम एक दिव्य प्रेम संबंध है। राधा कृष्ण से 4 साल बड़ी थी। कई कथाएं ऐसी भी हैं कि राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था। उनका प्रेम निराकार और शाश्वत था। बरसाना में कृष्ण ने कई दिव्य लीलाएं की, जैसे कि गोपियों के साथ खेलना और राधा के साथ मिलना भी उनका हुआ। इन लीलाओं ने राधा और कृष्ण के प्रेम को अभिव्यक्त किया और भक्ति के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए। मथुरा श्री कृष्ण का जन्म स्थान है और यहाँ पर कृष्ण की कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ था। कंस, जो कृष्ण भगवान का मामा था, उसने अपनी बहन देवकी के बच्चों को मारने का संकल्प लिया था। कृष्ण ने जन्म लेकर कंस के प्रयासों को विफल किया और अपने माता पिता को बचाया। इस घटना ने स्पष्ट किया कि भगवान सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। इस पर भी हमारी एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको भी जरूर देखिए, काफ़ी जानकारी देगी वो वीडियो भी आपको। कंस मथुरा का एक अत्याचारी राजा था जिसने कृष्ण को मारने के लिए कई प्रयास किए। कृष्ण ने अंततः कंस का वध किया और मथुरा को उसकी अत्याचारों से मुक्त किया। ये घटना हमें सिखाती है कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। मथुरा में कई समस्याएं थी, जैसे कि जल आपूर्ति की कमी और सामाजिक असमानताएं। कृष्ण ने अपने समय में इन समस्याओं को हल करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने मथुरा की जनता की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाई और समाज की समस्याओं को सुलझाया। उनकी ये कोशिशें उनके धर्म और दायित्व के प्रति समर्पण को दर्शाती हैं। कृष्ण ने मथुरा में कई दुष्ट राक्षसों का नाश किया था और धर्म की स्थापना की। उन्होंने मथुरा को हर प्रकार से राक्षसी बलों से मुक्त किया और न्याय की स्थापना की। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में प्रेम, भक्ति और धर्म का महत्व कितना अधिक है। उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके दिव्य लीलाएं हमें मार्गदर्शन प्रदान करती हैं कि कैसे हमें अपने जीवन में सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ जीना चाहिए। कृष्ण की ये लीलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि ईश्वर के प्रेम और आशीर्वाद से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल और आनंदमय बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालेंगे, जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा और हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो सीखते रहिए और सिखाते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।